लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। प्रतिवर्ष अनेक लोग एकत्रित होकर अपने अपने संप्रदाय के अनुसार गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं, परंतु इस वर्ष कोरोना विषाणु के प्रकोप के कारण हम एकत्रित होकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव नहीं मना सकते। यहां महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि हिंदू धर्म ने धर्माचरण के शास्त्र में संकट काल के लिए भी कुछ विकल्प बताए हैं, जिसे आपद्धर्म कहा जाता है। आपद्धर्म का अर्थ है आपदी कर्तव्यो धर्मः, अर्थात आपदा के समय आचरण करना आवश्यक धर्म। वर्तमान कोरोना संकट की पृष्ठभूमि पर देश भर में यातायात बंदी अर्थात लॉकडाउन है। इसी अवधि में गुरु पूर्णिमा होने से संपत काल में बताई गई पद्धति के अनुसार इस वर्ष हम सार्वजनिक रूप से गुरु पूर्णिमा नहीं मना सकेंगे। ऐसे समय वर्तमान परिस्थिति में धर्माचरण के रूप में क्या किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया गया है। यहां महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि इससे हिंदू धर्म ने कितने उच्च स्तर तक जाकर मनुष्य का विचार किया है, यह सीखने को मिलता है। इससे हिंदू धर्म की विशालता ध्यान में आती है। गुरु पूर्णिमा के दिन अधिकांश साधक अपने श्री गुरुदेव जी के पास जाकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार कुछ लोग श्री गुरु, कुछ लोग माता पिता, कुछ लोग विद्या गुरु अर्थात जिन्होंने हमें ज्ञान दिया वे शिक्षक, कुछ आचार्य गुरु अर्थात हमारे यहाँ पारंपरिक पूजा के लिए आने वाले गुरु जी, तथा कुछ लोग मोक्ष गुरु अर्थात जिन्होंने हमें साधना का दिशा दर्शन कर मोक्ष का मार्ग दिखाया वे श्री गुरु, उनके पास जाकर उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस वर्ष कोरोना संकट के कारण हमने घर पर रहकर ही भक्ति भाव से श्री गुरुदेव जी के छाया चित्र का पूजन अथवा मानस पूजन किया, तब भी हमें गुरु तत्व का 1,000 गुना लाभ मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार भले ही इष्ट देवता, संत अथवा श्री गुरु अलग हो, परंतु गुरु तत्व एक ही होता है। सभी भक्त पूजन का एक विशिष्ट समय सुनिश्चित कर संभवतः उसी समय अपने अपने घरों में पूजन करें। एक ही समय पूजन करने से संगठित शक्ति का अधिक लाभ मिलता है, अतः एकमत से संभवतः एक ही समय सुनिश्चित कर उस समय पूजन करें। सवेरे का समय पूजन हेतु उत्तम माना गया है। जिन्हें सवेरे पूजन करना संभव है वे सवेरे का समय सुनिश्चित कर उस समय पूजन करें। कुछ अपरिहार्य कारण से जिन्हें सवेरे पूजन करना संभव नहीं हो वे सायंकाल का समय सुनिश्चित कर उस समय, परंतु सूर्यास्त से पहले अर्थात सायंकाल 7 बजे से पूर्व पूजन करें। जिन्हें निर्धारित समय में पूजन करना संभव नहीं है वे अपनी सुविधा के अनुसार परंतु सूर्यास्त से पहले पूजन करें। सभी साधक घर पर ही अपने श्री गुरु अथवा इष्ट देवता की प्रतिमा, मूर्ति अथवा पादुकाओं का पूजन करें। चित्र, मूर्ति अथवा पादुकाओं को गंध लगाकर पुष्प समर्पित करें। धूप, दीप एवं
भोग लगाकर पंचोपचार पूजन करें तथा उसके पश्चात श्री गुरुदेव जी की आरती उतारें। जिन्हें सामग्री के अभाव में प्रत्यक्ष पूजन करना संभव नहीं है, वे श्री गुरु अथवा इष्ट देवता का मानस पूजन करें। उसके पश्चात श्री गुरुदेव जी द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें। जब से हमारे जीवन में श्री गुरुदेव जी आए, तब से जो अनुभूतियां हुई है उनका हम स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इस समय पिछले वर्ष हम साधना में कहां अल्प पड़े। हमने श्री गुरुदेव जी के सीख का प्रत्यक्ष रूप में कितना आचरण किया, इसका भी अवलोकन कर उस पर चिंतन करें। अभी आपने जो जानकारी सुनी वह सैद्धांतिक है। अध्यात्म में इसका महत्व केवल 2% है। अध्यात्म में आचरण का महत्व 98% है। यदि हम गुरु की कृपा पाने के लिए प्रयत्न करेंगे तो ही वास्तविक लाभ होगा। अर्थात श्री गुरु की शरण में जाकर भावपूर्ण ढंग से साधना करनी चाहिए, स्वयं में भाव और भक्ति बढ़ानी चाहिए। यदि हम अपने में शिष्य का गुण लाने के लिए प्रयत्न करेंगे तब हमें गुरु तत्व से सहस्त्र गुना लाभ निश्चित होगा।